Very good morning, dear students. Today I am going to explain you the next section of your English section 2, and anthills, kitchen, gardens. Ants are diligent and meticulous. Dear students, ant जो होती है वो बहुत ही diligent होती है और meticulous होती है. But when we see an ant, do we admire it? लेकिन क्या जब हम उनको देखते हैं तो क्या हम उनकी तारीफ करते हैं? Read and know about an anthill. अब हम बात करेंगे एंड हिल के बारे में कि उनकी लाइफ कैसी होती है. नथिंग इज दैन किचन गार्डन्स आर क्वाइट कॉमनली मेड अंडरग्राउंड और एट द बेक ऑफ एन एंड हिल. किचन गार्डन क्या होता है? अ पार्ट ऑफ गार्डन वेयर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर ग्रोन फॉर ऑन यूज. किचन गार्डन वो होता है जहाँ पर हम अपने खुद के यूज के लिए फ्रूट्स या सब्जियों को उगाते हैं. तो यहाँ पे भी ये कहा गया है कि नथिंग एल्स देन किचन गार्डन. किचन गार्डन के सिवा कोई ऐसी प्लेस नहीं है कि जहाँ पर वो अपना घर बनाती हो. और जो एंड हिल है वो एंड हिल हमको कहीं भी मिल जाता है, या तो हमारे किचन गार्डन मिल जाता है या कोई भी अंडरग्राउंड वो बना किचन गार्डन कोई भी अंडरग्राउंड में वो अपने को एंड हिल मिल जाता है. इट ऑफन हैपन्स दैट आंट ब्रिंग्स राउंड लीफ बिट्स. हमने देखा है कि आंट जो है वो एक छोटी छोटी गोल गोल की जो गोल गोल क्या लेकर आती हैं, लीफ बिट्स लेकर आती है, मतलब पत्तियों की छोटी छोटी गोलियां जैसी लेकर आती हैं. दे डोंट ईट दैम, लेकिन वो उसे खाते नहीं हैं दो. बट ग्राइंड दैम अप देन च्यू दैम एंड फाइनली यूज दैम एज अ फील्ड फॉर सोइंग अ पर्टिकुलर फंगस विच इज ऑलवेज हैंडी इन एनी एंड हिल. डियर स्टूडेंट्स, वो उसे खाती नहीं है बल्कि उसको चबाती है, और चबाने के बाद फाइनली जो है उसको एक गोल शेप गोल आकार देती है, एक पिल की तरह का आकार देती है, और हमेशा उसको पर्टिकुलर फंगस की तरह, मतलब जो फंगस होता है उसकी तरह उसे रखती हैं. फंगस मीन्स एनी नॉन लिविंग नॉन ग्रीन प्लांट विदाउट लीव्स दैट यूजली ग्रोस ऑन अदर प्लांट्स और डिकेइंग मैटर्स. तो इसको वो कहाँ इकट्ठा कर लेती है? एंट हिल में इकट्ठा कर लेती है. सच किचन गार्डन्स आर मेड इन मॉइस्ट एंड वार्म प्लेसेस. हमने देखा है कि जो किचन गार्डन है वो मॉइस्ट और वार्म प्लेसेस पे बनाए जाते हैं. सो द फंगी स्टार्ट ग्रोइंग वेरी फास्ट, इससे वहाँ पे फंगी जो है वो बहुत फास्टली लग जाती है. एज दे ग्रो ओवर द फंगी आर कवर्ड विथ क्लियर. और जैसे जैसे वो फंगीस बढ़ती जाती है वो पूरी क्या करती है, वो पूरी जमीन को कवर कर देती है, जिसमें क्या छुपा होता है, एंट हिल होता है. हार्डनिंग ड्रॉपलेट्स दैट आर ईटन बाय द एंट्स. अब देखिए, हार्डनिंग ड्रॉपलेट कुछ ड्रॉपलेट्स ऐसे होते हैं जो कि किसके द्वारा खाए जाते हैं, चींटियों के द्वारा खाए जाते हैं. दीज ड्रॉपलेट्स आर सम टाइम कॉल्ड एंट कैबेज, और उन्हें एंट कैबेज भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया जो लिप्स है वो गोल गोल जो बनाती हैं पिल की तरह, एक गोला जो बनाती है छोटा सा, वो एक कैबेज की तरह होता है और उसको हम एंट कैबेज कहते हैं. एंट्स टेक गुड केयर ऑफ देयर किचन गार्डन. एंट जो है वो अपने किचन गार्डन की बहुत ज़्यादा देख रेख करती हैं, अच्छे से केयर करती हैं. व्हेन अ फीमेल फ्लाइज अवे टू स्टार्ट अ न्यू एंट हिल, जब फीमेल एंट जो होती है जब वो कोई दूसरा किचन गार्डन बनाने जाती है, शी टेक्स सम फंगी विथ हर, तब वो क्या करती है, कुछ फंगी जो होती है जिसकी वो जो बॉल बनाए थे उसने वो वहाँ से लेके जाती है एंड प्लांट द फर्स्ट रो, और पहली रो को लगाना शुरू कर देती है. दिस फंगी ग्रो नावेवर बट इन ओल्ड एंड हिल्स. ये जो फंगी ग्रो तो करती है बट इन ओल्ड एंड हिल्स, लेकिन ये ओल्ड एंड हिल पर ही ग्रो करती है. Sometimes ants fetch various grass seeds and ripe grains. कभी कभी जो ants है वो grass seeds भी लेके जाती हैं कई तरह के, और ripe grains पके हुए अनाज भी लेके जाती हैं, and take them deep underground, और बहुत नीचे ले जाकर उसे दबा देती है जमीन के अंदर. And see to it that they don't get wet or start to sprout. और वो ध्यान भी रखती है कि वो गीले ना हो, लेकिन इतने मॉइस्ट रहे वो कि उनमें अंकुरित दाना बने लगे. इन हॉट वेदर आंट्स टेक द ग्रेन्स आउट. उसके बाद जब हॉट वेदर हो जाता है तब एंट उसमें से क्या निकालती है, वो ग्रेन को निकालती है एंड पुट देम ऑन द सनी साइड ऑफ द एंट हिल टू ड्राई. उसके बाद एंट हिल के ऊपर जो जिस प्लेस पे धूप आती है उस प्लेस पे जाके उसको वो ड्राई कर दिया, सुखा लेती है. By the evening they take them back in. उसके बाद शाम को वापस से घर में वो लेकर आ जाती है. It's really bad luck if it starts raining heavily.
लेकिन जब वो एक काम कर रही होती है तो उनका, और अगर बारिश हो जाए तो उनका बैड लक होता है, क्योंकि सारे जो ग्रेन्स होते हैं जो वहाँ पे सुखाती है वो पानी के साथ बह जाते हैं. फॉर ऑल द स्टोर्स विल देन नीड ड्राइंग ऑल ओवर अगेन. देखिए कभी कभी तो बह जाते हैं, लेकिन कुछ ग्रेन्स ऐसे होते हैं जो गीले हो जाते हैं, तो फिर उनको वापस से सुखाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है. नेक्स्ट द पेरासाइट्स. After drying the grains, grains सुखाने के बाद ants grind them up with their jaws. उसके बाद जो ants होती है वो उसको चबा चबा के उसको पूरा क्या करती है, chew करके उसको grind कर लेती है. They make the finest flour imaginable. मतलब इतना fine flour बनाती है वो जो grain जो होते हैं उनका वो आटा बना लेती है. They make the finest flour imaginable. The flour soon becomes sweet and somewhat bitter. परफेक्ट फूड फॉर आंट लावा. इसके बाद एंट जो है वो एक आंट लावा तैयार करती है, वो एकदम परफेक्ट फूड उससे वो बनाती है. वो जो फ्लोर है वो थोड़ा सा मीठा हो जाता है और कहीं से वो वेटर यानी गीला भी रहता है. एंड एंट हिल कैन बी ड्वेलिंग फॉर वेरियस एंट स्पेसीज. एंट हिल जो है वो कई सारी प्रजातियों की होती है. द बिगेस्ट वन पे नो अटेंशन टू स्मॉल एंट हुज करी अबाउट हियर एंड दे आर पिकिंग अप द रिमेन्स ऑफ फूड. बिगेर वन जो मतलब जो बड़ी वाली आंट जो होती है वो दूसरी छोटी आंट्स पर ध्यान बिल्कुल नहीं देती है. टू स्करी दैट मीन्स के टू रन विथ क्विक शॉर्ट स्टेप. और वो बड़ी बड़ी रहती हैं तो वो जल्दी 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 वहाँ से चलती जाती हैं. अबाउट हियर एंड देयर वो यहाँ से वहाँ जल्दी जल्दी चलती चलती जाती हैं, पिकिंग अप द रिमेन्स ऑफ फूड. और जितना भी फूड बचा होता है उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे रखती हैं. दे माइट स्टील एन एग एंड क्विकली डिसअपियर इन टू नैरो पैसेज. वो जल्दी जल्दी से एग को चुरा लेती हैं और वहाँ से जल्दी से गायब हो भी जाती हैं. That do not admit big ants. मतलब जो बड़ी बड़ी ants होती हैं उन्हें वो दिखाई नहीं देती है. छोटी ants होती हैं वो उनके अंडे चुरा कर लेकर आ जाती हैं. Besides such hangers on, there are many other dwellers in the ant hill that are also parasite. देखिए हाँ, besides such hanger on और इन सारी जो ants से उनके सिवा उनके अलावा भी देर आर मेनी अदर ड्वेलर्स और भी कई सारी आंट्स होती है जो वहाँ रहती हैं इन द एंट हिल दैट आर आल्सो पेरासाइट जिन्हें हम पेरासाइट भी कहते हैं. एंड इवन एनिमीज ऑफ द आंट्स और हम उन्हें आंट्स का एनिमी भी कहते हैं, आंट्स का दुश्मन कहते हैं. व्हाई डू द एंट्स स्टे इन देम. लेकिन एंट्स उनके साथ क्यों रहती है. इट इज नोन दैट द डिफेंडर्स ऑफ एन एंट हिल आर स्पॉइलिंग for a fight at the first sight of an intruder. Intruder is here an insect or ants that enter an ant hill illegally or forcibly. मतलब कि कुछ parasite उनका जो ant hill होता है उसमें घुस जाते हैं और उन्हें परेशान करते हैं, लेकिन ant जो है वो वहाँ से नहीं जाती है बल्कि उनका सामना करती है और उन्हें वहाँ से निकालने की कोशिश करती है. They are as brave as lions. जो वहाँ ant होती है वो बिल्कुल शेर की तरह बहादुर होती हैं. And their jaws are very strong. उनकी जो jaw होती है बहुत strong होती है. No one can stand up against thousands of furious ants. Ants जो होती हैं वो शक्तिशाली होती है और thousand ants अगर हमारे सामने आ जाए तो कोई भी उनका सामना नहीं कर सकता. Even a bear will back off in a hurry. लेकिन जो बियर जो है वो भी उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता. द पॉइंट इज दैट पैरासाइट्स एंड एनिमीज हैव लर्न टू प्ले फ्रेंडली दस डिसीविंग द आंट्स. यहाँ पे पॉइंट ये है कि जो पैरासाइट हैं, पैरासाइट और एनिमीज जो हैं वो बहुत अच्छे से एंट से दोस्ती कर लेते हैं, फ्रेंडशिप कर लेते हैं और उसके बाद एंट को धोखा दे देते हैं. Some parasites can as much as ride on ants. कुछ parasites ऐसे हो सकते हैं much as ride on ants जो कि ant के ऊपर ही चलते हैं. A small tick will perch under an ant's head. Ant के head पर एक छोटा सा tick लगा होता है. It sits very still, does not disturb the ant, or asks to be fed as they say.
सम पैरासाइट्स कैन एज मच एज राइड ऑन अंट्स, कुछ पैरासाइट जो होते हैं वो अंट्स के ऊपर ही चलते हैं। अ स्मॉल टिक विल पर्च अंडर एन अंट्स हेड, अंट के हेड पर एक छोटा टिक लगा होता है। इट सिट्स वेरी स्टील, जनरली वो सभी अंट के ऊपर मिल जाता है। डज नॉट डिस्टर्ब द अंट, अंट को कभी हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और आस्क टू बी फेड, इवन हमें उन्हें कुछ भी दाना खिलाना चाहिए। एज दे से, दो समटाइम्स इट डज जस्ट दैट, लेकिन ऐसा कुछ लोग भी करते हैं। एज द टिक गेट्स हंग्री इट स्टार्ट्स टू स्ट्रोक द अंट्स हेड, अब जो टिक जो है जो उनके सिर पर बैठा हुआ था, एक निशान जिसको हम बोल रहे थे, वो एक टिक है। और जब वो भूखा होता है तब वो एंड के ऊपर क्या करता है, स्ट्रोक करता है, मतलब कि उस पर हमला करता है या फिर उसको ठोकता है, उसके सर को ठोकता है। विथ इट्स टू फोर लेग्स, आगे की जो फोर लेग्स होते हैं उससे वो एंड के ऊपर एंड को क्या करता है, उसके हेड पर मारता है। एंड द एंड्स लॉ इज टू ऑलवेज शेयर एवरीथिंग, लेकिन एंड जो है बहुत दयालु होती है, उनका एक ही उनका एक ही मकसद होता है कि वो सबसे सबसे अपनी चीज़ें शेयर करती है, अपना खाना भी शेयर करती हैं। इफ अ हंग्री एंड मीट्स अ फीड वर्म, जब कोई हंग्री एंट, जो कोई भूखी जो एंट होती है वो किसी फेडवन से मिलती है, इट विल स्ट्रोक इट्स, जब भी कोई एंट किसी भी फेडवन से मिलती है तो क्या करती है वो, इट विल स्ट्रोक इट्स हेड विथ इट्स एंट एंटीना, वो अपने एंटीना से क्या करती है, अपने हेड को हिलाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि चीटिया जो होती है अपने हाथों से अपने आगे के मुँह को पोंछती है। And the fed ant will promptly give out a swift drop. और जो fed ant जो ऊपर उनके सर पर लगा होता है वो नीचे गिर जाता है। It will do so even if it doesn't want to. और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो नहीं चाहती है कि उनके सर पर कोई बैठे। Since such is the law. लेकिन law ऐसा है कि वो हमेशा उनके सर पर ही बैठता है। The hungry ant will eat the drop and run along. फिर जो हंग्री आंट होती है वो ड्रॉप को खा लेती है और दौड़ लगाने लगती है। When it meets another fed ant, it will get some more food. जब उसको दूसरी एक और आंट मिलती है तो वो उससे भी फूड मांग लेती है। This is very wise law, for it takes care of the weak and the hungry. और ये बहुत ही wise law है जो क्या टेक करता है, वीक और हंग्री लोगों को टेक केयर करता है। And a sly tick turns that to its advantage. और जो चतुर चालाक लोग जो हैं, जो जैसे जो टिक होता है, जो वो चतुर चालाक होता है, turns that to its advantage, और वो अपने एडवांटेज को भूल जाता है। When it strokes an ant's head with its four legs, the ant believes them to be some hungry ants and dinner. और फिर उसके बाद जब वो इससे जब वो स्ट्रोक करते हुए फोर लेग से स्ट्रोक करते हुए दूसरी आंट से मिलता है, तो फिर जब दूसरी आंट को देखकर वो ये बताता है कि वो भी बहुत भूखा है। दैट एग्जैक्टली व्हाट द टिक वांट्स, सो इट हैज इट्स डिनर एंड सिस वेरी क्वाइटली अंटिल सपर। That's exactly what the tick want. अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टिक भी ऐसा ही चाहता है। So it has its dinner, और इस तरह से उसका dinner हो जाता है, and sits very quietly until supper, और जब तक उसकी भूख नहीं वापस से भूख नहीं लगने लगती उसको, तब तक वो चुपचाप बैठे रहता है। If two ticks should climb upon an ant, अगर दो टिक एक साथ एक आंट पे चढ़ जाएं, they see to it that the balance is kept even, तब वो ये देखेंगे कि बैलेंस तो ठीक है, और else the ant might stumble, और ये भी देखेंगे कि जो आंट है वो stumble है या नहीं, मतलब trip है या नहीं, और else that ant might stumble, so they take their seats symmetrically, और इसलिए उन्होंने जो अपनी सीट्स थी उसको symmetrically कर लिया। On its side to disturb the ant as little as possible, क्योंकि वो उनको जो ants थी उनको disturb करना नहीं चाहते थे। Sometimes an ant can happen to say as many of six rider, कभी कभी कुछ जो ants होती हैं वो can happen to carry as many as six riders, तो उनके साथ साथ क्या होते हैं, लगभग छः rider तो होते ही हैं। They will all sit evenly and taking care of the balance, and the ant will feed this mob of swindles. उसके बाद ये सब एक साथ वहाँ पर रहने लग जाते हैं, लेकिन जो क्वीन आंट होती है वही वहाँ से काम करने जाती है,
और पूरा टेक केयर, सबकी टेक केयर करती है, सब कुछ बैलेंस बना के रखती है। और आंट जो है वही जो मॉब होती है स्विंडर्स की, उसको भी खाना खिलाती है। सो डियर स्टूडेंट, इट वॉज एन ऐसे टाइप चैप्टर इन योर ग्रामर बुक। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू।